प्यारे बच्चों, तुहाडा अगला लेख है कंप्यूटर दा वध रिहा प्रभाव। ठीक है, तो इहदी इसे तरीके नाल असीं पहले भूमिका लिखांगे, इस बारे असीं दसांगे जानकारी। 20वीं सदी विच विज्ञान ने बहुत उन्नति कीती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तरक्की कीती है, बहुत उन्नति कीती है, किसदे नाल, कंप्यूटर दे नाल। और होर भी जिहड़ियां विज्ञानिक जिहड़ियां, देखो तुसीं देखो कि विज्ञान जिहड़ा दिनों दिन फैलता जा रहा और वैज्ञानिक जिहड़े आ नवीं नवीं खोजां करते पए आ। ठीक है, उहदा असर असीं अपनी रोजाना जिंदगी विच देखदे आ। तो उहनां दे विचों ही आ 20वीं सदी विच विज्ञान ने बहुत उन्नति कीती। विज्ञान ने अपने चमत्कारां नूं पूरी दुनिया विच लिया के इसका चेहरा मोहरा ही बदल के रख दिता है। भाव कि रहना सहना हर चीज़ जिहड़ा इंसान की जिंदगी ही बदल के रख दिती है। अज साडे जीवन का हर खेत्र विज्ञान के चमत्कारां जिमें बिजली, आवाजाई के साधन, संचार ते मनोरंजन के साधन, परमाणु शक्ति, वायुयान अते पुलाड़ की खोज तो प्रभावित है। पुलाड़ असीं अंतरिक्ष नूं भी कह दिंदे। इस तरह की एक होर हैरानीजनक खोज है कंप्यूटर, जिसने मनुखी दिमाग के गुंझलदार कामों नूं संभाल लिया है। गुंझलदार भाव कि जिहड़े मुश्किल सन, ते इंटरनेट नाल संसार के भिन्न भिन्न थावां नूं आपस में जोड़ दिता है। कंप्यूटर की रचना, इसके मुख तीन भाग हैं बेटा, आदान भाग, केंद्रीय भाग अते प्रधान भाग। आदान भाग की मदद नाल असीं केंद्रीय भाग को निर्देश देंदे हाँ, प्रधान भाग सानू अंतिम परिणाम कढ़ के दिंदा है, केंद्रीय भाग सीपीयू कहाउंदा है। कंप्यूटर के अंगा नू हार्डवेयर कहा जाता है अते इस विच चलण वाले प्रोग्राम समूह नू सॉफ्टवेयर आख्या जाता है। कंप्यूटर का युग, आधुनिक युग में जेकर कंप्यूटर युग आख दिता जाए तो कोई भी अत कथनी नहीं होगी कि इस तो वड्डी कहते कि कोई वड्डी गल नहीं होगी कि अज के समय में असी कंप्यूटर युग कही। अज संसार भर में जेकर किसी यंत्र का प्रयोग हो रहा है तो वह केवल कंप्यूटर ही है। पिछले 15 वरिया साल साढ़े भारत में इस दी सिक्ख्या अते इस्तेमाल बहुत ही भारी गिणती विच वधे हन। अज तां इह घर घर विच दिखाई देण लगा है। इस दी महत्ता अज हर पासे दिखाई दिंदी है, जिवें व्यापारक केंद्रां विच कर्मचारियों के हिसाब किताब आदि की जानकारी झटपट ही ले जा सकती है। दफ्तर कारखानों आदि विच भी इसने मनुख दे काम काज नूं हल्का कर दिता है, जिस नाल उत्पादन विच वाधा होया है। इस नाल सरकारी ते गैर सरकारी संस्थावां तों इलावा पढ़ाई, इलाज, हिसाब किताब, मौसम संबंधी जानकारी, समाचार पत्र, पुलाड़ संबंधी जानकारी, विद्यार्थियों के नतीजे आदि विच हैरानीजनक उन्नति हुई है। अगे बेटा डॉक्टरी विज्ञान अते कंप्यूटर, ठीक है, हुण डॉक्टरी विज्ञान ते कंप्यूटर दा की संबंध है। इस दी मदद नाल अज रोगियां अते अपाहजां नूं भी बहुत चंगी तरह नाल देखिया भालिया जा सकदा है। इस दी मदद नाल चलण वाले स्कैनिंग दे यंत्रां ने तां मनुखी शरीर दे हर हिस्से दी फोटो चटपट तैयार कर दिती है। दिल परचावे दा साधन, अज इस नूं दिल परचावे दे साधन वजों भी वरत्या जाण लग पिया है। इस राही कई तैयार किए विद्यक प्रोग्राम मिलते हैं जो सानू औखे ते औखे कहते कि ये जिहड़े है असी देखो ध्यान कहते इस राही, किस राही, कंप्यूटर राही तैयार किए विद्यक प्रोग्राम, विद्यक भाव की पढ़ाई दे नाल संबंध रखने वाले प्रोग्राम मिलते हैं जो सानू औखे तो औखे विषय कि कठिन तो कठिन जिहड़ा साडा आ विषय है, ठीक है, टॉपिक है भी सरल लगते हैं, सरल मतलब सौखे। बैंकां, आर्ट कंपनियां, कपड़े बनाने वाली कंपनियां आदि हर कोई इस नूं भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। अज भारत विच बैठ के असी दूसरे मुल्कां नाल इंटरनेट राही अपने तार जोड़ सकते हाँ। अजकल भारत विच बैठ के ही कंप्यूटर दी मदद नाल विदेशी कंपनियां दा काम कीता जा सकता है अते इसलिए विदेश जाण दी भी लोड़ नहीं पैंदी। अज कंप्यूटर ने सब पासे गहरा प्रभाव पाया है। इस दी मदद नाल दुनिया विच बहुत ही उन्नति हो रही है। इस तो होर भी आस है कि यह लोकां नूं होर खुशहाल बनावेगा। तो बेटे असी जिहड़ा है दूसरा पढ़ लिया आपां कंप्यूटर दा वध रिहा प्रभाव। तो तुसी ध्यान नाल देखो, इह असी पढ़िया सी पहले शहीद आजम भगत सिंह पढ़िया सी ना, फिर आपां पढ़ लिया कंप्यूटर दा वध रिहा रुझान, ठीक है बेटा। तो तुसी अगे तीसरा ते चौथा ते पंजवां, मैं तुहानूं उही कहता कि कोई महान शख्सियत ही पहला वाली तुसी याद कर लेना,
शहीद भगत सिंह वाला, ठीक है। पर तीसरा ते चौथा तुसीं याद करना आप, महंगाई का आम आदमी ते असर और विद्यार्थी जीवन। बेटे तुहाडी बुक दे विच ही है सारे, तुहाडी जिहड़ी है रचनावली है ना, व्याकरण है जिहड़ी, ग्रामर व्याकरण है, इहदे विच ही तुहाडे सारे लेख है, कोई भी बाहरों नहीं है। और तुसीं, मैं दो पढ़ाते हैं, तीसरा चौथा और पंजवा, तुसीं जिहड़ा वो याद करना, इहनू रीड करना तुसीं, हाँ ठीक है। हाँ ओके बेटा। Thanks.